और करिए हमारे साथ उपस्थित हैं नेहा राठौर जी। नेहा बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है आपका। आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। थैंक यू नेहा। ऐसे तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, कई ऐसी बातें हैं जो आपके विषय में जानेंगे, हमारे दर्शक भी जान पाएंगे किस तरीके से आपने शुरुआत किया, कहाँ से आपके मॉडलिंग की फील्ड की यात्रा शुरू हुई, किस तरीके से आपने अपना एजुकेशन शुरू किया। बट मैं चाहूँगी कि सबसे पहले बचपन के दिनों के विषय में बताएं, जहाँ से आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से आपकी रही, शिक्षा कब कैसे कहाँ हुई। एक्चुअली मेरे फादर डिफेंस से हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरा पूरा एजुकेशन लाइन उन्हीं के साथ रह के हुआ है, तो आर्मी स्कूल से हुआ है। तो डिसिप्लिन मेंटेनेंस के साथ और क्या कहते हैं फौजियों के बीच में रह के मैंने पूरा बचपन उन्हीं के साथ गुजारा है। लगभग मुझे लगता है 12th तक मैं पापा के साथ ही रही हूँ, और मेरा पूरा बचपन कहते कि देश के जवानों के साथ ही गुजरा है। तो बहुत खूबसूरत मोमेंट है मेरे लिए, जो मैं लाइफ में हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा याद रखूँगी। फिर उसके बाद मैं बैक टू गांव आ गई थोड़ा, क्योंकि शहर में बहुत दिन रह लिए थे, कुछ दिनों के लिए छुट्टी में आए थे हम लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, तो कुछ दिन यहाँ रह लिए। फिर उसके बाद एजुकेशन के लिए वापस बैक टू पंजाब हो गई, वहीं से मैंने बाकी का रिमेनिंग एजुकेशन कंप्लीट किया। वैसे मेरी 12th तक की एजुकेशन आर्मी स्कूल से हुई है। आर्मी स्कूल से हुई। आपने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड था, आपकी पृष्ठभूमि थी, आपके पिता आर्मी में थे, आप एक सेकंड के लिए भी ऐसा कभी ख्याल आया कि आप भी आर्मी में जाएं, फौज में जाएं और देश के लिए कुछ इस तरीके से करें। मेरा एक्चुअली हमेशा बचपन से ही सपना था कि हम डिफेंस ज्वाइन करें, क्योंकि देखते थे तो अच्छा लगता था, बट मेरा हेल्थ उतना सपोर्ट नहीं कर पाया उस टाइम, क्योंकि जब मुझे क्वालिफाई करना था तो उस समय हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ ज़्यादा बीमार रहते थे, तो पापा कहते थे कि इतना बीमार होगी तो देश की सेवा कैसे होगी, इसलिए वो ड्रीम थोड़ा नहीं पूरा हुआ है। बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि अभी भी मेरी फैमिली डिफेंस से है, बहुत सारे मतलब कहिए तो मेरा पूरा बैकग्राउंड पूरा डिफेंशियल है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना प्रेरणा, जैसे इन्होंने नेहा ने बात किया बिटकॉइंस की बातें की कि किस तरीके से आपने अपना बचपन उस माहौल में जिया है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरा माहौल रहता है कि हाँ हम मना रहे हैं, एक अपने देश का फेस्टिवल मना रहे हैं, इतना गौरवान्वित करने वाला वो पल होता है। और मैं ये सोच के ही बहुत खुश हो रही होंगी कि आपको कितनी खुशी हो रही होगी जब आप अपना बचपन उस माहौल में जी रही थी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून देने वाला पल रहा। बहुत बहुत आज होता क्या है कि बचपन में तो उस समय ऐसा लगता था कि नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा रहता था कि आप डिफेंस से हो तो आप हर जगह नहीं जा सकते हो, खुलेआम इस तरह नहीं घूम सकते हो। लेकिन फिर बाद में जब कहते हैं कि एज लाइक जब समझ आया तब समझ आया कि नहीं, ये मोमेंट हर बच्चे को मिलता ही नहीं है। आप सीरियसली बहुत मिस करती हूँ, चाहती हूँ कि ऐसा कुछ मोमेंट हो कि मैं फिर वापस उसी पल से जुड़ जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली डैड अब रिटायर हो चुके हैं, तो हम लोग बैक टू गांव ही हैं अभी। चलिए, वो यादें हैं जिसे आपने सहेज कर रखा है। नेहा, अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपने 2014 में मिस बिहार का खिताब जीता, तो आपके लिए ये कितना मायने रखता था और खिताब जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? इस किताब के बाद बहुत सारी चेंजेस आई, लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि ये फील्ड मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में भी आ जाऊँगी, और ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगी, अपनी क्या कहते हैं जन्मभूमि से शुरुआत होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर लेकिन उसके बाद लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई और मेरी एंट्रेंस इस ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गई, और भी ज़्यादा खुशी हुई कि लोग मुझे मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा एक मतलब खुश कर देता और एक्साइटमेंट बढ़ जाती कि मैं थोड़ा और आगे जाऊँ और कुछ करूँ कि लोगों को और लाइक मेरे लिए मेरी तरह, जब क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब बोलते नहीं हमको भी आपकी तरह बनना है, तो उस समय मतलब जो मुझे फील होता है, जो खुशी होती है, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तब ऐसा लगता है कि नहीं और कुछ अचीव करना है लाइफ में बड़ा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको देख के लोग यदि कुछ सीख रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो लगता है कि हाँ चलो मैंने जो किया वो सफल हो गया, ताकि जो लोग हैं वो मुझे देख के कुछ सीख रहे हैं, मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया 2014 में किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन मैं बात तो उन दिनों की करूँगी जब आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखा। 2014 में जब आपने मिस बिहार का खिताब जीता था, शुरुआत कैसे हुई?
कैसे और कब आपको लगा कि नहीं मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और 2014 का टाइटल